नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कैलाश। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक स्पेशल कार दिखाने वाले हैं जो कि कार डील पे खड़ी हुई है, ऑडी की Q7। जनरली हम सिंगल गाड़ी एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक सिंगल गाड़ी भी एक्सप्लोर करो। तो हमको एक बहुत अच्छी गाड़ी और बहुत अच्छे प्राइस में आज ये मिलने वाली है, तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। तो इस गाड़ी की सारी डिटेल देने के लिए पहले तो बुला लेते हैं हम कार डील से राहुल भाई को। राहुल भाई, कैसे हो? बढ़िया सर, एकदम। आप बताइए। एकदम बढ़िया। हम सर, ये जो है बहुत ही ज्यादा लोडेड है गाड़ी। आप मानोगे, नई जो आती थी उस टाइम पे 80-1 लाख रुपए करीब आती थी। अपने टाइम पे नहीं शूट बनता है इन गाड़ियों का, क्योंकि इनमें सर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कस्टमर को नहीं पता होते। जो फॉर्च्यूनर लेने जा रहा है 12-13-14 लाख की, हाँ। वो इसको कंसीडर कर सकता है, बट उसको फीचर्स नहीं पता होते, चीज के बारे में नहीं आइडिया होता, हाँ। तो एक हम सिंगल वीडियो आज इसके अंदर बनाएंगे, जिसके अंदर हम इनकी सर्विस कॉस्ट भी बता देंगे कि कितने की होती है, कितनी एवरेज होती है और कहाँ कैसे चलती है, सब कुछ बता देंगे। तो हम शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको इसकी प्रोफाइल दिखा देते हैं। कितनी मेहमत है, एकदम कितनी लंबी जबरदस्त गाड़ी है। जब ये रोड पे चलते हुए अपना ही प्लेजर होता है और एक अपनी ही एक अलग फीलिंग आती है। राहुल भाई, कुछ बताओ, क्या कहोगे इसके बारे में? सर, ये अगर आप देखोगे तो 7-सीटर SUV कैटेगरी के अंदर गाड़ी आती है, जिसके अंदर पूरा आपको ग्लास टॉप मिलता है, ठीक है। थर्ड रो तक आपको इसके अंदर सनरूफ मिल जाती है। ओके। एंड फ्रंट में आप देखोगे तो बहुत ही शानदार DRL लाइट्स मिल जाती है विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। नीचे फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, ओके। हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं आपको। बहुत ही शानदार गाड़ी होती है सर ये। V6 इंजन आता है इसके अंदर, 6 सिलेंडर गाड़ी है, 3000 cc की डीजल गाड़ी है। फ्रंट में आपको क्वाट्रो की बैजिंग मिल जाती है, जो कि टॉप मॉडल गाड़ी है, 4x4 होती है ये भी। 3000 cc की है, इसका पावरफुल V6 इंजन है। तो राहुल भाई, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, माइलेज क्या दे देती है? सर, ये आपको इजीली 10 की एवरेज सिटी के अंदर देगी, 10 से 11 की, एंड हाईवे पे आपको 12-13 की एवरेज देगी। ओके, अब आ जाते हैं हम इधर, थोड़ा टायर दिखाएंगे। तो हम थोड़ा टायर क्लोज दिखाएंगे, तो टायर की कंडीशन देखो आप, मतलब काफी अभी बचे हुए हैं टायर। और कितने परसेंट कह सकते हैं? लगभग 70-80% गाड़ी के अंदर टायर्स हैं। 18 इंचेस कंपनी फिटेड अलॉयज है। अलॉयज पे आप देंगे तो कोई भी स्क्रैच नहीं मिलेगा आपको। ओरिजिनल पेंट के अंदर है गाड़ी। साइड फोल्ड मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इधर रूफ रेल मिल जाएंगे। रूफ रेल्स, ये आफ्टर मार्केट है कंपनी? नहीं सर, कंपनी से स्टॉक आता है। इनके अंदर सर करवाएंगे क्या? हाँ। कुछ भी कराने के लिए नहीं होता, क्योंकि कंपनी से ही सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो अब थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं, बैक साइड में आ जाते हैं, तो थोड़ा बैक दिखाते हैं इसका। बहुत ही शानदार। राहुल भाई, ये थोड़ा सा लाइट के बारे में बताओ, क्या है सर ये? पीछे भी आपको जो लाइट्स हैं बहुत ही डिजाइनर मिल जाती हैं। ये नॉर्मली जलती रहती है। ओके। बीच में अगर ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक लाइट दूसरी है। ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं हमारे को नीचे, एंड इधर Q7 की बैजिंग मिल जाती है। अगर आपकी जिंदगी में 4 छल्ले नहीं है तो कुछ नहीं है। बैक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, बैक डिफॉगर्स मिल जाते हैं, प्लस बैक वाइपर, एंड इलेक्ट्रिकल आपको टेल गेट मिल जाता है। ओके। जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। ये फोल्डेबल सीट्स है सर, ये जो दो सीट्स हैं ये अभी फोल्ड हुई हुई है। ओके। आप देखेंगे तो पिछली रो में भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। ओके। एंड अगर आप इधर देखेंगे तो पिछली रो में भी आपको सनरूफ मिल जाती है। जो बूट स्पेस, इतना बूट स्पेस है सर आपके पास, इतना बूट स्पेस है, पूरी सीट ये पीछे हो जाती है। 330 लीटर का जो है ना बूट स्पेस इसका आता है। बाकी अगर हम इसे बंद करना है तो सिर्फ यहाँ आपको ऑफ करना है और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है हमारे को इसके अंदर। अब थोड़ा सा इधर आए दूसरी साइड में, तो इधर से भी एक बार प्रोफाइल इसकी देखो और बाकी फिर हम इसको अंदर चलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं, राहुल भाई से पूछते हैं। राहुल भाई, हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो इसे खास बनाती हैं? सर, इसके अंदर जो सबसे अलग चीज़ है वो है इसका एयर सस्पेंशन, ठीक है। जो कि आपको एयरमेटिक सस्पेंशन मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। प्लस अगर मैं अभी जैसे कि लिफ्ट कर रहा हूँ, हाँ। तो आप देखोगे तो गाड़ी कुछ हाइट पे रेज हो जाएगी। 3 पॉइंट तक डाउन भी कर सकते हो एंड 3 पॉइंट अप कर सकते हो। ओके। जो कि बहुत ही ज्यादा होता है एंड बहुत ही ज्यादा लिफ्ट हो जाती है गाड़ी। बाकी इधर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। डैशबोर्ड खोलने के लिए ये बटन आपको मिलता है, जिससे आप डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। प्लस पार्किंग सेंसर्स का इधर आपको बटन मिल जाता है, जिसमें अगर आप देंगे तो बैक कैमरा खुल गया, एंड फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर्स इधर दोनों साइड काम करेंगे। Q7 गाड़ी बनी हुई आ गई है, उसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आप देंगे तो इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ऑफ हो गया है। एंड इधर आपको CD चेंजर मिल जाता है, ठीक है। आजकल भी CD चलती हैं आजकल, ये ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ होता है, बट इसके अंदर आपको 6 CD चेंजर मिल जाता है। एंड 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। पीछे भी जो है आप दो, आगे
दो आगे दो पीछे, फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और इधर ये आपका ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर है गाड़ी। तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव एंड स्पोर्ट्स मोड भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, ऐसे आप एस पे आ गए तो स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, डी पे गए तो ड्राइव हो गया। आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, इधर अगर हम करते हैं तो प्लस एंड माइनस जो है ऑन हो गया। ओके, ये मैनुअली भी यूज कर सकते हैं आप। अगर आप मीटर पे देखोगे तो इधर एम वन लिखा हुआ आ गया है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो एम टू एम थ्री हो जाएगा, मैनुअली ऑपरेट है क्योंकि, तो वो गियर शिफ्ट होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप मीटर पे भी देखेंगे तो कोई लाइट नहीं है, 55,000 के अराउंड गाड़ी चली हुई है। अगर आप एंटरटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल भी करना चाहते हैं तो इधर अगर आप देखेंगे तो हमारे को एंटरटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए इधर बटन मिल जाते हैं, जिसमें मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया इसके अंदर, आपको सब मिल जाता है। ओके, इधर आपको एश ट्रे एंड लाइटर मिल जाता है। और ऊपर हम थोड़ा जाएंगे तो इसका ये सनरूफ है, ऊपर आपको ये ब्लाइंड मिल जाता है जो कि, और ये पैनारोमिक सनरूफ है, पैनारोमिक सनरूफ है जो, एंड अगर एक बारी के लिए देखोगे तो आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं पिलर्स पे सारी साइड पे, एंड एयरबैग से तो भरी हुई है सारे पिलर्स पे। सेफ्टी वाइज आप देखोगे तो एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, एक दो तीन चार दो पीछे, आई थिंक सिक्स एयरबैग्स हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं, प्लस बोस का कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। ओके, अगर आप डोर पे देखेंगे तो आपको बोस की बैजिंग मिल जाएगी। तो काफी सारी लोडेड है, अब बाहर चलते हैं और अब हम बताएंगे आपको इस गाड़ी की डील क्या है। सर अगर आप अभी सबसे इम्पोर्टेंट देखो तो हमारा हाथ बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है, और जब पहले हम थे तो इतनी हाइट पे थी गाड़ी, काफी ऊंची थी, ये अभी हम बिल्कुल लो मोड पे कर दिया है। इसकी बात करूं तो 2012 मॉडल है ये, हरियाणा रजिस्टर्ड है विद फैंसी नंबर। ओके, ये पंचकूला रजिस्टर्ड गाड़ी है, 15 साल चलेगी हरियाणा में पंचकूला। डीजल वेरिएंट है 3000 सीसी की ऑडी Q7, 55,000 के अराउंड चली हुई हमने मीटर पे दिखाई है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो प्राइस रखा सिर्फ और सिर्फ 14,75,000, नेगोशिएबल प्राइस है। आप आइए गाड़ी को देखिए। अगर आप एसयूवी कार लेना चाह रहे हैं और आपका बजट है इतना तो आप इस कार को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप फॉर्च्यूनर वगैरह उस टाइप की कार लेने जा रहे हो तो इसे एक बार देख सकते हैं, जो भी बेस्ट डील होगी ऑन द टेबल हो जाएगी। तो राहुल भाई ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे। तो दोस्तों आज एक कार का हमने आपको वीडियो दिया है, थोड़ी कोशिश की है आपको दिखाने की, और कैसा लगा बताना जरूर, लिखना जरूर, वेट करेंगे हम आपका। तो ख़त्म करता हूँ उन्हीं दो शब्दों के साथ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्वस्थ मत रहो। तो मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।